जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टुडे में। आपके समक्ष में पंडित बीएन शास्त्री एक नई राशिफल के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि वालों का, ये जो सप्ताह है 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का, ये जो साप्ताहिक राशिफल कैसा रहने वाला है, सप्ताह कैसे रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, मैं वीडियो में जो आपको बताऊंगा किन किन चीज़ों के बारे में, मैं आपको विश्लेषण कर देता हूं। सबसे पहले आपको आपके जो शुभ चीज़ें रहने वाली हैं इस हफ्ते, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना, उन चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको पूरी आपके राशिफल के बारे में बताने के बाद आपको पूरे हफ्ते के उपाय के बारे में बताऊंगा जो आप ज़रूर करें ताकि आपका ये हफ्ता अच्छा साबित हो। उससे पहले माता रानी के लिए, क्योंकि 17 अक्टूबर से श्राद्ध नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम बना चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं आप लोगों के समक्ष, यूट्यूब चैनल हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे हम डाल चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि श्राद्ध नवरात्रि में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्यों मनाई जाती हैं, उसकी संपूर्ण विवरण हम उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो बना चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये जो साप्ताहिक राशिफल है। तो मिथुन राशि के लिए जो शुभ रहेगा, मिथुन राशि के जो स्वामी हैं बुध हैं, यानी कि ज्ञान के मालिक, बुद्धि के मालिक बुध देव आपके मालिक हैं। इसके अलावा मिथुन राशि के लिए जो शुभ रहने वाला है वो पीला रंग आप लोगों के लिए शुभ रहेगा इस जो हफ्ता आने वाला है 12 से 18 अक्टूबर। शुभ तारीख जो रहने वाली है वो 15 तारीख रहने वाली है। शुभ अंक आपके लिए 6 रहने वाला है और शुभ दिशा आपके लिए पश्चिम और शुभ दिन बुध और गुरुवार, ये चीज़ें आपके लिए शुभ रहेंगी। इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस हफ्ते में आपको किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस जो हफ्ता आने वाला है इस वीक में आपको सबसे अधिक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की तरफ से ये जो आने वाला हफ्ता है आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते में आपको कोई भी बड़े निवेश नहीं करने हैं धन के मामले में, यानी अगर आप बिजनेस करते हैं और निवेश करना चाहते हैं तो आप ना करें। अगर आप कोई कारोबार नया आरंभ करना चाहते हैं इस हफ्ते में तो वो ना करें। दूसरी चीज़, इस हफ्ते में आपको अपने विवाह के तैयारी नहीं करनी है, विवाह के लिए आपको अपनी कहीं भी सहयोग नहीं करना है या विवाह के लिए बात नहीं चलानी है। तो इस हफ्ते में अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ से आपका विवाह टूट सकता है, तो ये आपको नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको इस हफ्ते में कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, चाहे वो किसी भी मामले में हो, आपको कागजी कार्रवाई नहीं करनी, यानी पेपर वर्क का कोई भी काम आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको अपने ऊपर क्या करना है, आपको अपने ऊपर संयम रखना है, पॉजिटिव रहना है, क्रोध नहीं करना है और अपनी वाणी में नम्रता लानी पड़ेगी, तभी आप आगे चलकर इन चीज़ों से आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब हम पूरे राशिफल के बारे में बात करते हैं। तो मिथुन राशि के लिए व्यापार के मामले में निवेश नहीं करना है। इसके अलावा पहले से अगर आपने कोई निवेश किया हुआ है, कोई व्यापार के लिए योजना बनाई हुई है, तो ये जो हफ्ता है आपके लिए लाभकारी साबित होगा, यानी इस हफ्ते में आपके पुराने निवेशों की या कारोबार में तरक्की के आपके अवसर बनेंगे, यानी पुराने निवेश अगर किए हुए हैं तो इससे आपको रिजल्ट मिलेंगे, इस हफ्ते में उससे रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में आपको कोई बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, कोई बड़ा परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है, तो नौकरी चेंज ना करें। आप सोच रहे हैं करना चाहते हैं तो ना करें, नौकरी में जैसा है वैसे रहने दें। इसके अलावा आपके जो जूनियर्स हैं, अगर आप नौकरी करते हैं और आपके जूनियर्स हैं, तो इस हफ्ते में वो आपसे बड़ा प्रभावित होंगे, आपसे बड़ा पॉजिटिव रहेंगे, आपको देखकर वो खुश रहेंगे और आपके उनके साथ संबंध भी और रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आर्थिक स्थिति मजबूत और स्ट्रांग नज़र आ रही है, धन अच्छा रहने वाला है, पर आपको अपनी सेविंग्स भी करनी है क्योंकि धन के साथ साथ आपके खर्चे भी इस हफ्ते में अधिक रहेंगे, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, स्वास्थ्य पर हो सकते हैं, व्यर्थ के खर्चे हो सकते हैं, यानी फिजूल खर्चे आपके अधिक रहेंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो नए विवाह के योग नहीं बन रहे, तो नए विवाह के लिए आप नहीं सक्षम है इस महीने। इसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ संबंध आपके सही रहेंगे, अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप कहीं आउटिंग के लिए जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, वो भी आपके इस हफ्ते बन रहे हैं योग। इसके अलावा जीवन साथी की तरफ से भी आपको इनकम आ सकती है, अगर आपके जीवन साथी वर्किंग है, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उधर से भी आपको अच्छी इनकम प्राप्त होगी। इसके अलावा शिक्षा की दृष्टि से ये जो हफ्ता रहने वाला है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला, अच्छा साबित होगा, फलदायक साबित होगा। संतान सुख की मैं बात करूँ तो संतान सुख भी मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है।
और संतान की तरफ से आप प्रसन्न भी रहेंगे, संतान के साथ आपके रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, तो संतान की तरफ से आपको संतुष्टि का माहौल रहेगा। इसके अलावा परिवार के लिए आपका अच्छा रहेगा, परिवार में आपके माता पिता से थोड़ा सा मतभेद रह सकते हैं, या आपकी और आपके माता पिता की कहीं विचार आपके नहीं बनेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर विचार में मतभेद रहेंगे, विचार में परिवर्तन रहेंगे, विचार में आप दोनों की सलाह नहीं होगी, विचार नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भाई बहनों के साथ अच्छा रहेगा, भाई बहनों के साथ आप समय भी अच्छा व्यतीत करने वाले हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा उपाय की अगर मैं बात करूं, तो उपाय के लिए मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा उपाय मैं आपको दूंगा जो इस आप पूरे हफ्ते कर सकते हैं। आप सुबह उठकर नहा धोकर जब भी आप पूजा करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवा का आप 108 बार जाप या एक माला जरूर करें, यह आपके लिए अत्यधिक प्रभावशाली और लाभकारी साबित रहने वाली है। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई राशिफल के साथ। मैं पंडित बीएन शास्त्री आपसे अलविदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।